आज हम कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप के आइसोलेशन और नॉर्मलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एप्लीकेबिलिटी है हमारी 500 मेगावाट PHL में टरबाइन के लिए। चलिए डिस्कस करते हैं। आज हमारे डिस्कशंस में रहेगा आइसोलेशन कैसे कर रहे हैं, CAP का नॉर्मलाइजेशन, चेक्स क्या रहेंगे, प्रोटेक्शन क्या रहेंगे और अदर इंटरलॉक्स क्या रहेंगे। एक सिंपल CP का पाइपिंग और स्कीमेटिक डायग्राम दिया गया है। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं, दिस इज कंडेंसर, दिस इज हॉट वेल। हॉट वेल से जो लाइन पाइप्स आ रहा है, अगर एक पंप को लिखा जाए, टोटल तीन पंप रहता है, तो पंप हमारे रहते हैं रनिंग में और एक स्टैंड बाय रहता है। हर एक पंप की कैपेसिटी 50% ऑफ टोटल कंडेंसेट फ्लो है। तो ऐसी कंडीशन में दो CP चलते हैं और एक स्टैंड बाय रहता है। अब हम हॉट वेल के बाद से कनेक्शन देखते हैं। यहाँ पे एक सक्शन वाल रहता है, उसके बाद एक सक्शन स्टैंडर रहता है, इसमें सक्शन वेंट एंड सक्शन ड्रेन रहता है। साथ ही साथ इसके आगे कैनिस्टर सक्शन वैल्व जो हमारे रहता है, इसका रिलीफ लाइन रहता है, वो कनेक्टेड रहता है हमारे सक्शन वाल से पहले। उसके आगे मैनुअल वाल रहता है, ये रिलीफ वाल है। इसके बाद हमारे एक्सपेंशन वैल्व दिया है, इसी के प्रोटेक्शन के लिए हमारा ये रिलीफ वाल दिया है। इसके बाद हमारा ये कनेक्शन आता है, एक CEP है, ये हमारा पंप है, इसी का ये कैनिस्टर है, ये इसके इम्पेलर्स दिए गए हैं, यहाँ इसका मैकेनिकल सील है, बेयरिंग है, CEP का मोटर है। और यहाँ पे देखिए, इस मोटर के जो ऑयल रहता है, थ्रस्ट ऑयल रहता है, उसकी कूलिंग के लिए ECW का पानी इन आ रहा है और ये आउट जा रहा है, दोनों का आइसोलेशन वाल दिए गए हैं। साथ ही साथ एक ये लाइन दी गई है, इसको हम बोलते हैं कैनिस्टर वेंट या बैलेंसिंग लाइन या सक्शन वेंट, कुछ भी बोल सकते हैं। ये हमारे कैनिस्टर का जो कनेक्शन है, वो सीधा हमारा कंडेंसर हॉट वेल से कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे एक वाल दिया रहता है, इसको आइसोलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके डिस्चार्ज लाइन में भी एक वेंट रहता है, जो भी न्यूमेटिक रहता है, ये भी हमारा LP फ्लैश टैंक के जरिए कंडेंसर से कनेक्टेड रहता है। अब साथ ही साथ अब हम देखेंगे इसका जो डिस्चार्ज लाइन है, डिस्चार्ज लाइन में आपका एक डिस्चार्ज NRV रहता है, फिर एक डिस्चार्ज मोटराइज डिस्चार्ज वाल रहता है, इसका मोटराइज इंटीग्रल बाईपास भी रहता है, और ये फाइनली ऐसी सारे तीनों पंप का लड़के एक डिस्चार्ज हेडर बनता है और ये हमारा आगे हीटर्स के लिए बढ़ जाता है। अब साथ में एक ही साथ है कि इसी हेडर से एक मैनुअल वाल रहता है, इसमें NRV रहता है, बाकी CP बॉम्बे और कैलकाटा के लिए भी वहाँ से पानी जाता है। कहाँ जाता है? CP के सी मैकेनिकल सील को सील करने के लिए, सील वाटर जो हमारा मैकेनिकली रब करता है उसको ठंडा करने के लिए हमारे यहीं से CP पानी जाता है। साथ ही डिस्चार्ज लाइन में एक न्यूमेटिक लाइन और रहती है, उसको CP मिनिमल सर्कुलेशन लाइन बोलते हैं। ये इनकेस अगर कहीं फ्लो नहीं हो रहा तो ये मेल वाल खोला रहता है, तो मिनिमल सर्कुलेशन के जरिए ये हॉट वेल में डालता रहता है। ये CP का सारा प्रोटेक्शन है। आगे आ जाते हैं, हम डिस्कस करते हैं आइसोलेशन के बारे में। अगर CP अगर आपका परमिट देना है तो क्या क्या आइसोलेट करना होगा? जो भी हम आपको CP आपको बंद करना है, तो सबसे पहले कि उसको CP को अनलोड कर लेना है, अनलोड करके स्टॉप स्टॉप कर लेना है और स्टैंड बाई से उसको बाहर निकाल लेना है। उसके बाद उसका डिस्चार्ज वाल मैनुअल वाल डिस्चार्ज मोटराइज वाल उसको बंद कर लेना है, उसका IV भी बंद कर लेना है, दोनों का पावर सप्लाई ऑफ करा लेना है। साथ ही CP पंप का जो मोटर उसका ब्रेकर रेकआउट करा के उसकी DC कंट्रोल सप्लाई ऑफ करा के उसका इंडिविजुअल पंप का प्रेस EPB प्रेस कर देना है। अब ये इलेक्ट्रिकल आइसोलेट हो चुका है, अब हमें आना है मैकेनिकल आइसोलेशन पे। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन होता है, उसके बाद ही मैकेनिकल आइसोलेशन करना है फॉर सेफ्टी पर्पज क्लोज। अब उसके बाद हमें इसका सक्शन वाल को पूरी तरह क्लोज कर देना है, उसके स्टैंडर का रिलीफ वाल लाइन दिया उसका भी वाल को क्लोज कर देना है, क्लोज उसका सर्कुलेशन वाल को भी बंद कर लेना है, और कैनिस्टर वेंट को भी जो LP फ्लैश टैंक से ज्यादा मैनुअल वाल दे रखा है उसको भी कनेक्ट, जो कनेक्टेड रहता है कैनिस्टर वेंट हॉट वेल से वैक्यूम बैलेंसिंग लाइन को, उसका भी मैनुअल वाल बंद कर लेना है। अब अगर हमारा इन केस अगर वो बेयरिंग पे भी काम करना चाह रहा है, तो हमें ECW का पानी भी इनलेट और आउटलेट को बंद करना पड़ेगा। अब फिर हमें ग्लैंड सील वाटर जो सप्लाई CP डिस्चार्ज हेडर से जो CST के दोनों से जो दिया जाता है, वो जो सीलिंग के लिए आ रहा है पानी, वो भी हमें बंद करना है। जब हम ये बंद करेंगे तो हमें गौर करना है कि अगर इन केस अगर हमारी सीलिंग वैक्यूम कहीं से खींच रहा है तो हमारा वैक्यूम ड्रॉप करेगा, तो इसलिए जब CP का डिस्चार्ज हेडर से जो जब मैनुअल वाल है उसको बंद करेंगे, सीलिंग वाला वाल पानी बंद करेंगे,
तो हमें सीसीआर से कोऑर्डिनेट करना है, इन केस अगर मॉनिटर वैक्यूम गिरता है तो तुरंत इसको फिर से चार्ज कर लेना है। अब हम आते हैं, अगर हमारे ये पानी बंद हो गया उसके बाद हम स्ट्रेनर का वेंटस को खोलेंगे और सेम प्रोसेस जो अभी ग्लैंड सील वाटर सप्लाई के लिए की थी कि मॉनिटर वैक्यूम करना है, वो भी करते हुए हमें स्ट्रेनर को वेंट खोल देना है। उसके बाद अगर स्ट्रेनर वेंट खोल दिया तो वैक्यूम में कोई ड्रॉप नहीं है तो स्ट्रेनर के ड्रेन खोल देंगे और उससे पानी सारा निकल जाएगा। अब फिर नाव सीपी हमारा जो है, जो टर्बाइन या इलेक्ट्रिकल स्विच गियर मोटर सिंडाई जिसको भी परमिट देना है वो रेडी रहेगा। अब हम वापस आते हैं कि अब अगर परमिट जा चुका है उसके बाद हमें नॉर्मल करना है तो कैसे कैसे स्टेप्स रहेंगे उसको फॉलो करना है। अब जैसे हम जैसे आगे गए थे उसी तरह से वापस आएंगे कि लास्ट स्टेप था ड्रेन खोल दिया था स्ट्रेनर वेंट का, तो स्ट्रेनर हम उसका क्लोज जो पहले सबसे पहले ड्रेन क्लोज करेंगे, फिर ओपन करेंगे उसका स्ट्रेनर का क्रैक वेंट ओपन कर देंगे और ग्लैंड सील वाटर को चार्ज कर देंगे धीमे धीमे। और जैसे ही हाँ साथ चार्ज कर देंगे और फिर थ्रस बेरिंग इनलेटर खोल देंगे और जैसे ही पानी अगर आने लगता है स्ट्रेनर वेंट से जस्ट आने को होता है उसी टाइम पे स्ट्रेनर का वेंट बंद कर देंगे, साथ ही साथ स्ट्रेनर रिलीफ लाइन को खोल देंगे मैनुअल वाल्व को और कैनिस्टर वेंट को तुरंत उसी दौरान जैसे ही पानी आता है प्रेशर 1 kg से आने से पहले ही उसको जो कैनिस्टर वेंट जो एलपी फ्लैश टैंक में दिया उसके मैनुअल वाल्व को खोल देंगे। और उसके बाद हमारा पूरे तरह से प्राइम हो चुका है और वैक्यूम से कनेक्टेड हो चुका है, तो अब रिसर्कुलेशन का जो मैनुअल वाल्व है उसको खोल देंगे और सक्शन वाल्व को भी धीमे धीमे खोलते रहेंगे और फाइनली हमारा उसके बाद उसका इलेक्ट्रिकल नॉर्मलाइजेशन जो भी डिस्चार्ज वाल्व के आईवीवी और मेन वाल्व डिस्चार्ज वाल्व है उनको भी सप्लाई को नॉर्मल करेंगे। उसके बाद फाइनली हम सीपी का जो ब्रेकर है उसको नॉर्मल कराएंगे, नॉर्मल कराने के बाद उसका ईपीवी को रिलीज कराएंगे, पंप को स्टैंड बाई अवस्था में लेके और उसको स्टैंड बाई कंडीशन में डाल देंगे और रेडी स्टैंड बाई आने तक उसका वेट करेंगे। अब हमें चेक्स क्या रखने हैं, चेक्स देखना है क्या क्या स्टार्टिंग करने जा रहे हैं अगर पंप को तो क्या क्या देख लेना है। देखिए सबसे पहले तो कि हॉट वेल लेवल हमारा -250 के ऊपर रहेगा अदरवाइज परमिसिव चला जाएगा। थ्रस्ट बेरिंग ऑयल लेवल जो हमारा रहता है नॉर्मल मोर देन 40% रहता है वो हमें देख लेना है। पंप कैन बी स्टार्टेड स्टैंड बाई विद डिस्चार्ज ओपन और नॉर्मल विद डिस्चार्ज वाल क्लोज। पंप रिसर्कुलेशन वाल हमारा 60% खोल दीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि पंप को या तो हम स्टैंड बाई डाल देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा डिस्चार्ज वाल खुल जाएगा और अपने आप रेडी स्टैंड बाई आएगा। अदरवाइज हमारा अगर उसको नॉर्मली चलाना चाह रहे हैं विदाउट स्टैंड बाई लिए हुए तो ऐसी कंडीशन डिस्चार्ज वाल क्लोज रहेगा और जैसे जैसे प्रेशर डेवलप करेगा उसको खुलता जाएगा। आप फिर हमें स्टार्ट कर देना है, कमांड देना है सीपी को और मिनिमम सर्कुलेशन फ्लो बाई ओपन सर्कुलेटिंग वाल और उसका फ्लो जो है ताकि थोड़ा सा पंप से जाता रहे डिस्चार्ज इनकेस भी बंद रहे तो हमारे सर्कुलेशन मल के जरिए जाता रहेगा। इस दौरान हमें उसका करंट, वाइब्रेशन, बेरिंग टेम्परेचर और वाइंडिंग टेम्परेचर को गौर करना है। व्हेन वी चार्ज कंडेंसेट लैंड फ्रॉम हॉट वेल टू डेरेटर ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ स्टार्टर वी रन ओनली 1 CP विद इट सर्कुलेशन फुल। ये हमारा इनिशियल कंडीशन रिजल्ट कंडेंसेट लैंड पूरी तरह खाली है तो एक ही सीपी को हम बार बार चलाते हैं और उसी दौरान हमने पूरी लाइन को प्राइम करते हैं। इस दौरान हमें पूरी कंडेंसेट लाइन के लिए प्रॉपर वेंटिंग करना होगा तो उसको जस्ट आईवीवी को तोड़ के हम क्रैक करके हम डिस्चार्ज वाल्व डिस्चार्ज प्रेशर बनाते हुए आईवीवी के जरिए पूरी लाइन को प्राइम कर लेते हैं। ये हमारे चेक्स हैं जब फर्स्ट टाइम सीपी चला रहे हैं उसके लिए। अब आप बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सीपी। प्रोटेक्शन हमारा दिया है कि हॉट वेल लेवल अगर वेरी लो है दैट इज -1810 mm। अब ये 2 out of 3 लेवल से अगर इनकेस आती है 5 सेकेंड के टाइम डिले के साथ हमारा सीपी ट्रिप कर जाएगा। दूसरा प्रोटेक्शन हमारा सक्सेस वाल नॉट ओपन, अगर सक्सेस वाल हमारा नहीं खुलता है लिमिट स्विच हमारा रिएक्ट कर जाती है तो भी हमारा सीपी ट्रिप कर जाएगा। तीसरी कंडीशन में आते हैं कि अगर हमारा सीपी चल रहा है उसका डिस्चार्ज प्रेशर वेरी लो है यानी कि प्रेशर स्विच 18 kg एक्ट करती है और तो उसको 5 सेकेंड के अंदर उसको ट्रिप कर देगा। चौथी कंडीशन हमारी है कि सीपी ऑन है लेकिन डिस्चार्ज फ्लो से नहीं जा रहा, अगर ट्रांसमीटर वैल्यू 300 से नीचे है तो टाइम डिले हमारे 120 सेकेंड के साथ वो ट्रिप कर देगा। पंप और बोलिंग मोटर थ्रस्ट बेरिंग टेम्परेचर हाई है, ये पंप और मोटर बेरिंग का थ्रस्ट बेरिंग टेम्परेचर अगर 90 डिग्री आ जाता है तो 10 सेकंड के टाइम डिले के साथ सीपी को ट्रिप कर देगा। साथ ही साथ मोटर का इलेक्ट्रिक प्रोटेक्शन ऑपरेट होता है तो भी हमारा सीपी ट्रिप करेगा। अब हम बात करते हैं कि अदर इंटरलॉक्स क्या क्या है सीपी को लेके। एक और इंटरलॉक दिया गया है कि इसके डेटर कंट्रोलर के साथ में दिया गया कि अगर डिस्चार्ज हेडर प्रेशर हमारा 22 kg आता है
तो फर्दर अपवर्ड कमांड टू डेटर लेवल कंट्रोल वाल ब्लॉक। अगर हम डेटर के लिए जो हमारा जो कंट्रोलर दिया है CDV 2225, तो वो हमारा वहाँ पे ब्लॉकिंग आ जाएगी, अब वो खुलेगा नहीं क्योंकि 22 kg के नीचे आ चुका है। अब वैन डिस्चार्ज प्रेशर हेडर ड्रॉप्स बिलो, अगर 20 से भी नीचे आता है तो स्टैंड बाई पंप ऑटो स्टार्ट हो जाएगा एंड डेटर कंट्रोल वाल की 25% करके उसको फोर्स क्लोज कमांड चला जाएगा। धन्यवाद।